पश्तो में आई लव यू को कैसे कहेंगे? जुस्तासा मीना को। और अगर मैं पश्तो को इंग्लिश बना दूं? बताएं कैसे? जुस्तासा मीना को। वाह शहबाज भाई, आपने इंग्लिश में भी पश्तो कर ली। देख ले, इंग्लिश बोला करें प्लीज। ओके जी, मेरे साथ इस वक्त सबाहत है। पहले ये सबाहत जो थी ना, घर में बर्तन धोती थी, लेकिन अब मैंने इसको इंग्लिश सिखाई है। सबाहत, अब तुम क्या करती हो? अब मैं बर्तन वॉश करती। यस, इंग्लिश बोला करें प्लीज। बात सुनो। क्या? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्यों? तुमसे एक मैन ही सेट हुआ। शोहर को इंग्लिश में हस्बैंड कहते हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि वाइफ सारी जिंदगी हंस हंस के उसकी बैंड बजाती है, इसीलिए कहते हैं हस्बैंड। इंग्लिश बोला करें प्लीज। सभी लड़कियां अपने मामा पापा की परी नहीं होती, कुछ BMW भी होती हैं। BMW का मतलब है बर्तन मांजने वाली। इंग्लिश बोला करें प्लीज। शबाज यार, हाँ मुझे वो गाना तो सुना दे यार। कौन सा वाला? वो नहीं है, बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। चार लाइनें बची हैं, वो भी खुद ही गा ले। क्या आपको पता है कि जहाज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं पता? जहाज को इंग्लिश में कहते हैं जहाज। जहाज कराची आया वो। हाय हाय, आप यहाँ पर कैसे? किसी का वेट कर रही हैं? या मैं अपने अंकल का वेट कर रही हूँ। ओह अंकल, आजकल ट्रैफिक भी काफी है ना, लेट हो जाएंगे। आपको एक स्टोरी सुनाऊं? जी। दो दोस्त थे, एक का नाम था आई लव यू, एक का नाम था आई लव यू टू। अब आई लव यू टू जो है वो नाली में गिर गया, बचा कौन? आई लव यू। वाह, कौन बचा? आई लव यू। ओह माय गॉड, कौन बचा? आई लव यू। मेरी जानू ने खाना खाया? नहीं खाया? तुम नहीं खाओगी ना, मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा, भूखा मर जाऊंगा मैं। खा लो जल्दी खा लो। नहीं बेबी, मैं चिप्स तो नहीं खा रहा, मैं भूखा हूँ, मैं कुछ नहीं खाऊंगा जब तक तुम कुछ नहीं खाओगी। खा लो बेबी। मैं तो इतना सीधा साधा इंसान हूँ कि अगर कोई लड़की मुझे प्रपोज कर दे ना, तो मुझसे मना नहीं किया जाता। यार शबाज भाई, क्या हुआ? आप इधर बैठे, हम एंजॉय करने आए हैं। यार एंजॉय करने तो आए हैं, लेकिन मेरे सर में दर्द हो गया, मुझे समझ नहीं आ रही, यहाँ पर इतनी लड़की हैं, किस किस को देखूं यार? वो देखो, वो काले बालों वाली, वो नीली आंखों वाली, उसकी हाइट चेक कर यार, किस किस को देखो यार, मेरे सर में चले आशबाज भाई यार, मेरे सर में दर्द। दोस्तों मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं मजीद इंग्लिश की और ज्यादा आला तालीम हासिल करने के लिए बाहर की किसी कंट्री में जाऊँ। आपको क्या लगता है, क्या मुझे मजीद इंग्लिश सीखने की जरूरत है? प्लीज कमेंट्स में बताएं। इंग्लिश बोला करें प्लीज। कुछ बीवियां अपने शोहरों के साथ इतनी बहस करती हैं कि दिमाग फटने वाला हो जाता है, शोहर इग्नोर करना शुरू कर देता है, लेकिन फिर बीवी ऐसी बात करती है जो शोहर की हड्डी और पसलियों में जाके लगती है और शोहर चीख पड़ता है। मत चीखें, मत इतना जोर लगाएं, आप सिंपल इंग्लिश में अपनी बेगम को जवाब दें। आप बोलें MBD, इसका मतलब होता है मैनू बख्श दे। इंग्लिश बोला करें प्लीज। कट कर ले यार। बात सुनो। क्या हुआ? तुम दोनों मेरे दोस्त हो ना? हाँ भाई। मेरे लिए एक काम करो। क्या काम? अगर दोस्त हो तो दोनों एक एक लड़की की आईडी बनाओ और रोज रात को मुझे मैसेज किया करो। हर लड़की के पास एक ऐसी सहेली जरूर होती है
जो उसे पटियां पढ़ाती है कि इग्नोर कर वो खुद आएगा, लेकिन कभी कभी वो नहीं आता। अगर आपके शोहर आपको कुछ नहीं लेके देते, कंजूसी करते हैं और आपके लिए बाजार से भी कोई गिफ्ट नहीं लेकर आते, तो आप रात के वक्त जब वो अकेले अपने कमरे में बैठे हों, आराम से उनके पास जाएं, मत उनसे लड़ें, मत उनसे मुंह बनाएं, आप आराम से उनके पास जाके उनके कान में कहें के आई। इसका मतलब होता है कंजूस इंसान। इंग्लिश बोला करे प्लीज। चारों तरह चेंज हो जाए। तुम कैसे बंदे हो, घुमाते ही नहीं हो कहीं पर। तुम इसे घुमाते नहीं हो यार, हाथ लाओ ऊपर करो, घूमो, हाँ और घूमो और घूमो, बस अब घूमती रहो, घुमा दिया ना इसने। अगर आपके शोहर की हरकतों ने आपकी नाक में दम कर दिया है, तो आप उनसे देसी तरीके से लड़ाई मत करें, बल्कि इंग्लिश में लड़ाई करें। आप उनसे इस तरह से लड़ाई करें कि सुनिए TMZ DWGH, इसका मतलब होता है कि तू मेरी जिंदगी दी वड्डी गलती है। इस तरह उनको पता भी नहीं चलेगा और आपके दिल की भड़ास भी निकल जाएगी। इंग्लिश बोला करे प्लीज। CIVIC लड़की घुमाने वाली गाड़ी। तुम पहले लड़के हो जिससे मैं इस तरह बात कर लेती हूँ।